अक्षय कुमार एक के बाद एक हिट फिल्म देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अक्षय कुमार की एक फिल्म जो बनने से पहले रह गई, दोस्तों हम 2009 में चांदनी चौक टू चाइना के सीक्वल चांदनी चौक टू अफ्रीका की बात कर रहे हैं। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इसके अगले पार्ट की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के कारण फिल्म का दूसरा पार्ट चांदनी चौक टू अफ्रीका नहीं बनाया गया और ये फिल्म अभी डिब्बा बंद हो चुकी है। एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ की फिल्में आजकल सिनेमाघरों में धूम मचा रही है, लेकिन इधर टाइगर की एक एक्शन मूवी रेम्बो जो 2018 में आने वाली थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। फिलहाल तो ये मूवी डिब्बा बंद है क्योंकि टाइगर अभी दूसरी कई फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त है। रेम्बो का एक पोस्टर भी आउट कर दिया गया था और ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म रेम्बो का रीमेक थी। करण जौहर अपनी हर फिल्म की घोषणा जोरों शोरों से करते हैं और इसी तरह करण ने अपने बैनर तले बनने वाली एक फिल्म शुद्धि की घोषणा की थी। शुद्धि करण जौहर का ड्रीम प्रोजेक्ट था और फिल्म के लिए पहले ऋतिक रोशन, फिर सलमान खान और अब वरुण धवन को फाइनल कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल तो ये मूवी डिब्बा बंद हो चुकी है। संजय दत्त एक राजा की बायोपिक करने वाले थे और इस मूवी का नाम द गुड महाराजा रखा गया था और इस फिल्म का एक पोस्टर भी आउट किया गया था, लेकिन फिलहाल तो ये मूवी डिब्बा बंद हो गई है। 2018 में आने वाली एक फिल्म रोमियो अकबर वाल्टर यानी रो, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत एक रो एजेंट की भूमिका निभाने वाले थे, फिर इस फिल्म के लिए अभिषेक बच्चन को कहा गया था, लेकिन अभिषेक ने फिल्म रिजेक्ट कर दी और ये फिल्म हो गई डिब्बा बंद। अमिताभ बच्चन की एक अमेजिंग मूवी तिलिस्म जो काफी हटकर होने वाली थी, लेकिन फिल्म अभी तक नहीं बनी। फिल्म का टीजर भी आउट किया गया था जो बेहतरीन था, लेकिन फिल्म अभी तक नहीं बनी है और ये फिल्म हो गई है डिब्बा बंद। अजय देवगन की एक एक्शन मूवी पावर, जिसमें बाद में संजय दत्त को कास्ट किया गया, लेकिन संजय दत्त के जेल जाने के बाद ये मूवी हो गई डिब्बा बंद। आपको मिस्टर इंडिया तो याद ही होगी। जी हाँ, मिस्टर इंडिया के हिट होने के बाद फिल्म मेकर्स ने इसके नेक्स्ट पार्ट टाइम मशीन को बनाने का फैसला लिया था और इसके लिए आमिर खान को कहा गया था और ये फिल्म अभी तक नहीं बन पाई है। तो आपको इन सभी मूवीज में से किस मूवी का डिब्बा खुलने का इंतजार रहेगा, हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।